मित्रों, प्राचीन काल में हुए महाभारत युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। ये युद्ध हस्तिनापुर के मान सम्मान और पांडवों के साथ हुए भेदभाव की वजह से लड़ा गया, जिसमें कुंती पुत्रों की विजय हुई। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये पता है कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद जिस राज्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया, यानी कि हस्तिनापुर का हुआ क्या? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि ये इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था, जिसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि लगातार 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में लगभग 80% भारतीय पुरुषों की मौत हो गई। वहीं महाभारत ग्रंथ में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों की संख्या कौरवों के मुकाबले कम थी, लेकिन इसके बावजूद युद्ध में पांडवों की जीत हुई। लेकिन मित्रों, आज भी जनमानस महाभारत के अंतिम छोर की कहानी से अनजान है। तो क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद हस्तिनापुर राज्य का क्या हुआ, या फिर किस राजा का राजतिलक किया गया? तो बता दें कि 18 दिनों तक महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई और युद्ध समाप्ति के बाद श्रेष्ठ पांडव यानी कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया, जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 सालों तक शासन किया। वहीं युधिष्ठिर के राजतिलक के समय गांधारी ने कौरवों की हार व मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण को आरोपी माना, क्योंकि महारानी गांधारी के अनुसार माधव के पास इस युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस युद्ध को होने दिया। ऐसे में कौरवों के नाश के लिए कृष्ण को दोषी मानते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण के वंश यानी कि यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। श्राप के फलस्वरूप पूरा यदुवंश आपस में लड़ने लगा। भगवान कृष्ण की द्वारिका की हालत बिगड़ने लगी और हर एक यदुवंशी एक दूसरे के खून का ही प्यासा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप यदुवंश का अंत हुआ और इसके अंत में वासुदेव, बलराम, दरुका और बब्रू ही बचे। वहीं इसके बाद देवकी पुत्र कृष्ण ने प्रभा से नरसंहार किया और वन में ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। जब वो वन में ध्यान में लीन थे, तब जरा नामक एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। पांव में तीर लगने के बाद वासुदेव कृष्ण ने शिकारी के सामने ही भगवान नारायण का रूप धारण किया और अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। और मित्रों, इस तरह पृथ्वी से भगवान कृष्ण चले गए, जिसके बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि जिस दिन प्रभु कृष्ण बैकुंठ को वापस आए, उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई। भगवान के जाने के बाद युधिष्ठिर ने भी अपने पौत्र परीक्षित का राजतिलक करने का फैसला लिया। इसके बाद पांडवों को ऋषि वेदव्यास ने सलाह दी कि धरती लोक में अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसीलिए अब वो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। फिर पांडव अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सारा राजपाट सौंप कर पांचाली द्रौपदी के साथ अंतिम प्रस्थान पर चले गए, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। लेकिन ये कठिन सीढ़ियां चढ़ते समय एक एक कर सभी लोग धर्मराज युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। मृत्यु का ये सिलसिला द्रौपदी से शुरू हुआ और फिर आखिर में भीम की भी मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके थे, बाकी सबकी बीच राह में ही मृत्यु हो गई और वो सभी नरकलोक में अपने कर्मों की सजा काटने के लिए भेज दिए गए। वहीं जब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते समय अंत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे, तब उनका स्वागत द्वार पर देवराज इंद्र द्वारा किया गया। युधिष्ठिर के साथ अंत तक आने वाला कुत्ता भी वहां गायब हो गया। और बता दे कि अंत तक आने वाला ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। नरक में द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर काफी उदास हुए। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि अपने कर्मों की सजा पूरी करके वो सभी भी जल्द ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को थोड़ी राहत मिली। तो मित्रों, इस तरह गांधारी के श्राप स्वरूप यदुवंशियों का अंत हुआ और फिर राजा परीक्षित, जिसे हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया था, वो भी धीरे धीरे राज्य पर अपनी पकड़ खोने लगा और उनका राज्य भी जल्दी ही समाप्त हो गया। लेकिन मित्रों, एक प्रश्न जो अभी भी खड़ा है वो ये है कि जिस राज्य यानी कि इंद्रप्रस्थ को उन्होंने अपने भाइयों के साथ स्थापित किया था, उसका क्या हुआ? तो बता दें कि वासुदेव की द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन यदुवंश की सभी स्त्रियों और द्वारिका वासियों को वहां से निकालकर तेजी से हस्तिनापुर की तरफ चल दिया। अब जैसे मथुरा से 18 यदुकुलों के साथ ज्यादातर द्वारिका वासियों को पलायन करना पड़ा था,
उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा पलायन था। वो सभी रास्ते में भयानक जंगल को पार करते हुए पंचरत देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये पता चलता है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जनसमुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहा है, तो वो धन के लालच में वहाँ चोरी के मकसद से पहुँच जाते हैं। अर्जुन गरजते हुए उन लुटेरों को चेतावनी देता है, लेकिन लुटेरों पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं होता और वो लूटपाट मचाने लगते हैं। वो सिर्फ सोने की ही चोरी नहीं करते बल्कि सुंदर महिलाओं को भी उठाने लगते हैं, जिसके चलते चारों ओर हाहाकार मच जाती है। ऐसे में धनुर्धर अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनकी सारी शक्ति गायब हो जाती है और कुछ ही देर में सभी धनुष के बाण भी खत्म हो जाते हैं। तब अर्जुन निहत्थे ही इन लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन कुछ लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन काफी दुखी होता है और ये सोचने लगता है कि आखिर मेरी अस्त्र विद्या लुप्त कैसे हो गई। कई प्रयासों के बाद अर्जुन यदुवंश के बचे हुए बूढ़े बालकों और अन्य स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचता है और उनसे वहीं रहने को कहता है। बची हुई स्त्रियों में रुक्मणी, शव्या, हिमवती और जामवंती आदि रानियां अग्नि में सती हो जाती हैं तथा कुछ वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। और तो और अर्जुन माधव के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाते हैं, जिसके बाद वो स्वयं महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन महर्षि को बताते हैं कि कृष्ण बलराम के साथ साथ सारा यदुवंश कैसे खत्म हुआ। अर्जुन की बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ये सब इसी तरह होना था, इसीलिए आप दुखी न हो। कुंती पुत्र ये भी कहते हैं कि किस तरह साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वो कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं कि वो दिव्यास्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वो अब पूरा हो चुका, अतः वो भी पुनः अपनी अपनी जगह पर चले गए। तुम लोगों ने भी अपना कर्तव्य अब पूरा कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे इस धरती लोक से जाने का समय आ चुका है। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर लौटकर सम्राट युधिष्ठिर को ये सारी बात बताते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।